सिलीदाग में आपको कैसा मुखिया प्रत्याशी चाहिए? अनिता देवी। कैसा प्रत्याशी चाहिए? बस अनिता देवी जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी गढ़वा दृष्टि से आप समस्त लोगों को इस चुनावी यात्रा में स्वागत है। आइए आज हम रमुना प्रखंड क्षेत्र के सिलीदाग पंचायत में आए हुए हैं, जहाँ से महिला उम्मीदवार पद पर चुनाव लड़ रही है मुखिया के। इनसे मिलकर जानते हैं क्या है इनकी चुनावी मुद्दा। क्या नाम है आपका? अनिता देवी। अच्छा, क्या मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्या है आपके, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गांव में बहुत तरह की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अच्छा। बहुत तरह की सुविधाएं से लोग वंचित है। किस तरह की सुविधाएं से वंचित है? जैसे कि लोग अभी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश है, पानी का सुविधा नहीं है, सिंचाई का भी सुविधा नहीं है और बिजली का भी सुविधा नहीं है। इसीलिए हम चुनाव में खड़ा हुए हैं ताकि लोगों को सारी सुविधाएं का विकास कर सके। अब तो एक महिला हैं, तो महिलाओं का दुख दर्द जानती हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या सोचे हुए हैं? महिलाओं को भी मैं काम करने का मौका दूंगी, कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए सुविधा करूंगी। अगर सिलीदाग की पंचायत की जनता अगर आपको चुनाव में मुखिया बनाती है, तो आप सिलीदाग पंचायत के लोगों के लिए क्या विकास के, क्या आपके एजेंडे हैं और क्या इस पंचायत को चौमुखी विकास की ओर कैसे ले जाएंगे? चौमुखी विकास की ओर ले जाएंगे कि घर में अभी किसी को कल नहीं है। अच्छा। तो लोग दूर दूर पानी लेने जाते हैं। अच्छा। मैं सबसे पहले उसका व्यवस्था कराऊंगी। अच्छा। और कॉलोनी दिलाऊंगी। अच्छा। बिजली का व्यवस्था कराऊंगी और वृद्धाओं के पेंशन। अच्छा। वृद्धा पेंशन दूंगी। अच्छा। और विधवा पेंशन दूंगी, विकलांगों को दूंगी। अच्छा। सारी सुविधा का व्यवस्था करूंगी। और आप अपने इस क्षेत्र में जैसे कि नली हो गए, रोड हो गए, इसमें इस क्षेत्र में आप कैसे करेंगे? रोड के जहाँ तक से समस्या है, रोड पर लोग बहुत तरह की समस्या है, लोग पानी में हेलकर चलने के लिए मजबूर है। मैं उसका भी व्यवस्था करूंगी। और जहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है उसका, वहाँ भी मैं रोड बनवाऊंगी। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से सिलीदाग पंचायत के जनता को अपना चुनाव चिन्ह और क्या अपील करना चाहेंगी? चुनाव चिन्ह और कर्म संख्या बताइए और क्या अपील करना चाहेंगी? मैं जनता को यही अपील करना चाहूंगी कि भारी से भारी मतों में मुझे वोट करके मुझे इस गांव का मुखिया बनाए, विजयी घोषित करें। अच्छा। मेरा पहचान चिन्ह है सेव छाप, जो कर्म संख्या 1 पर है। ज्यादा से ज्यादा वोट करके मुझे विजयी बनाए ताकि मैं ग्राम पंचायत का विकास कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सिलीदाग में आपको कैसा मुखिया प्रत्याशी चाहिए? अनिता देवी। कैसे, क्यों अनिता देवी ही चाहिए? वही नेता बनेंगे, वही करेंगे। अच्छा, वही विकास करेंगे। वही विकास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? बस अनिता देवी जी सर। अच्छा, क्यों अनिता देवी जैसा, क्या खूबी आपको लगा? बहुत खूबी लग रहा है, हर चीज कर रहे हैं। अभी अभी तक रोड बना दिया, राजा सिंह जी तो हर चीज किया, अभी तक कोई विकास नहीं करा। रोड में अपना से माटी गिरवाए हैं तो उनका हम कहे नहीं गिरवाए हैं, उनका हम मानेंगे, दूसरा के मानेंगे, बताइए। मेरा विकास करवाया है तो उसका हम उनका ऊपर रहेंगे हम। अच्छा, तो हाँ, कराए हैं। राजा सिंह बोले कि हम स्कूल बनवाएंगे यहाँ नदी पर, अथी छठ घाट बनाने के बोले थे, कोई नहीं मान, नहीं कराया, नहीं कराया। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अनिता देवी जीतेंगी तो करेंगे? करेंगे हम लोग के लिए। चलिए, आप बताइए। हम लोग अनिता देवी जी से नेता चाहिए। अनिता देवी जी क्यों चाहिए बताइए? क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब के सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बोलिए। हमारे गांव में जो राजा सिंह मुखिया जीते, अच्छा, उसने हम लोग को दिखा के कि मेरा जमीन है, हम स्कूल बनाएंगे। अच्छा। छठ घाट पे आए, छठ के दिन नारियल फोड़े। अच्छा। इसके बाद कभी आए ही नहीं। अच्छा। और जब हर काम पड़ता तो गढ़वा हमको साइन कराना पड़ता तो गढ़वा रहते थे। ऐसा मुखिया को हम बनाना प्रत्याशी नहीं चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा प्रत्याशी ऐसा बने जो मेरे गाँव में रहे, मेरे बीच में रहे, हमारे समस्या को समझे। वो ऐसा प्रत्याशी है जो जीतता है इसके बाद गढ़वा में रहता है। अच्छा, अच्छा। तो गढ़वा के निवासी है, सिलदा के नहीं है। अभी आप किसको जिता रहे हैं? हम अपना भाई को, अपना जो अनिता देवी है उनको जिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में रहेंगे, हमारे बीच को समस्या को समझेंगे। अच्छा। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? हमको चाहिए अनिता देवी जैसा। अच्छा। क्योंकि दुख की बात है कि मेरा गाँव में 4 साल से विधवा पेंशन बनाने के लिए दौड़ रहा है ब्लॉक में। अच्छा, ब्लॉक में दौड़ रहा है। 10 साल हो गया मुखिया बनते हुए, अभी तक 4 विधवा पेंशन नहीं बनने पाया, तो और क्या बनेगा। तो किसको अभी आप किसको मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं? हमको देखना चाहते हैं अनिता देवी जैसा। क्यों देखना चाहते हैं? क्यों देखना चाहते हैं कि वो करेंगे। अच्छा। बनवाएंगे।
समझेंगे। विश्वास आपको है? विश्वास है, अगर कुछ होगा तो इनसे हम लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ हमको हिम्मत नहीं पड़ता है बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको कैसा प्रत्याशी? अनीता देवी जी सब प्रत्याशी चाहिए। क्यों क्यों अनीता देवी जैसा? क्योंकि राजा सिंह अभी ले 10 साल जीते, अच्छा। लेकिन आंगनबाड़ी नहीं बना गढ़ी में, अच्छा। हाँ, इसलिए अनीता देवी जैसा प्रत्याशी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए आपको, हमें तो अनीता देवी जैसा प्रत्याशी, अनीता देवी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्यों चाहिए बताइए? क्योंकि ये अभी तक चुनाव जीतने से पहले सुख दुख में साथ हैं, अच्छा, सुख दुख में साथ, और हमें ये भरोसा है कि आगे भी रहेंगे, अच्छा। क्योंकि यहाँ सबकी मानसिकता बनी हुई है 15 और 85 जाति पाति लगी हुई है, और हम चाहते हैं बराबर समझे, और हमें अनीता देवी जी ने बराबर समझा हुआ है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जीत के आगे जाके विकास करे, हमें भरोसा है। विधवा पेंशन वंचित है, अच्छा। और कॉलोनी वंचित है, हमारे गांव में रोड भी वंचित है। हमने रोड के लिए तकरीबन 10 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अच्छा, अपने बीवाटी का टोला में, लेकिन रोड के लिए कोई आज तक आगे नहीं आया है, अच्छा। और इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने भरोसा दिया है, अच्छा, कि रोड बनेगी। अगर जो बने हैं मुखिया पहले से, उन्होंने ये भरोसा भी नहीं दिया है कि रोड बनाएंगे हम, अच्छा। अगर भरोसा भी दे देते तो भी हम कदम से कदम मिला के चलते, लेकिन कदम से कदम मिलाने का आप पूर्व मुखिया प्रत्याशी एक ऑप्शन भी नहीं छोड़े हैं, इन्होंने हमारे पास ऑप्शन रखा है, अच्छा। और हम इनके साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बाबा, आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? अनीता देवी, अनीता देवी जी सर चाहिए, हाँ। आपका पेंशन बना है अभी तक? हाँ बन गया। चलिए पेंशन बन गया, आगे क्या अनीता देवी से आप मांगिएगा? विकास के, विकास विकास, रोड रोड हमारे दूरा दिन रोड नहीं है। शिक्षा शिक्षा, हाँ शिक्षा भी चाहिए आपको? चाहिए क्षेत्र में, हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? हमको सेदा ग्राम पंचायत का, अच्छा, 2010 में चुनाव हुआ, पंचायती राज हासिल हुआ, हाँ। उसके बाद जो है उस समय जो हमारे प्रत्याशी जो नीतू सिंह थे, हाँ। सिलदा ग्राम पंचायत के, अच्छा। जितना उनसे बन सका, हाँ। वो किए, अच्छा किए, लेकिन दूसरा चुनाव में भी जो है सो जो उनसे बन सका वो किए, अच्छा। उसके बाद अभी तीसरा चुनाव है, हाँ। उससे जो है 10 वर्षों में 12 वर्षों में जो चुनाव जब हुआ, हाँ। तब तक जो हमारे यहाँ पंचायत के अंदर में हर वार्ड में जो, हाँ। मेरे सिलदा पंचायत में 12 वार्ड होता है, हाँ। लेकिन वहाँ पर हम लोग देखा कि उस तरह का माने विकास नहीं हुआ जनताओं के वार्ड वार्ड के अंदर में, तो हम उससे जो है दुखित रहे, इसलिए कि वह जो मुखिया बनता है हर लोगों को दुख सुख को सहमत होकर के और मिल करके विकास कराने की चीज होता है। ये नहीं कि जो मैं जो दिया तो हम उसी भर के हो गए मुखिया, जो वोट नहीं दिया उसका क्या हक पंचायत से चला गया, नहीं जाता है, वो भी हकदार है। चलिए अभी आप किसको देखना चाहते हैं? अभी जो है सो हम श्रीदा ग्राम पंचायत से महिला में से, अच्छा। अनीता देवी, उनके पति अनीता देवी को जो है सो हम लोग चुन करने के पहले ही तैयार हैं। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिससे कि हमारे, अच्छा। महिला लोग, हाँ। आज 10 वर्षों से मुखिया से कोई बात करने के लिए ललायत है, अच्छा। और सिलदा पंचायत के कोई वार्ड का 12 वार्ड है, हाँ। जो ललायत है, अगर मुखिया उस तरह का हो जो कि पहले सबसे पहले हमारे सिलदा पंचायत का लेडीज जो होते हैं वह लेडीज को पहुंच नहीं हो पाता है मुखिया से बात दुखम को सुखम को बात करने के लिए, उससे वह पहुंच नहीं पाता है, जो कि विकास में 12 वार्ड का जो है महिला सबसे पीछे विकास में वंचित रह जाता है। वो महिला लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारा ग्राम पंचायत के अंदर में क्या क्या विकास के लिए आया, फंड कैसे होना चाहिए हर वार्ड के अंदर में, जो कि सबसे पहले हमारे महिला सबसे पिछड़े हुए हैं। इसलिए मैं समर्थन करता हूं अनीता देवी को, सेव छाप को मुखिया बनाऊंगा, और सर्व 12 वार्ड में हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।